नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक 24 स्लॉट का एग्जस्ट फैन का स्टार्टर है। एग्जस्ट फैन बोलिए या एपी फैन बोलिए या फिर छोटा जी मिनी कूलर आता है उसके अंदर भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस तरह का स्टार्टर आने करने में बड़ी आसानी वानी होता है, एकदम फटाफट वानी होता है, बस खाली समझने वाली बात है, थोड़ा समझ जाए बस। दोस्तों देखिए, अपनी वायरिंग करने से पहले पेपर डालना पड़ता है। देखिए पेपर हमने डाल दिया इसके अंदर पहले से। दोस्तों ने पेपर यूज़ किया है हमारा 7 नंबर का पीवीसी सीट है। दोस्तों इसके अंदर कैसा है, अगर आपको पेपर डालना हो, पेपर कैसे कटिंग करेंगे समझिए कि आपका स्टार्टर जो है ये एक अंदाज बता रहा हूँ मैं पेपर कैसे कटिंग करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो स्टार्टर ये हमारा स्टार्टर ये 18 mm का है। कितना है? 18 mm का स्टार्टर है। अगर आपका स्टार्टर जो है 18 mm का है तो आपको 10 mm बढ़ा देना है। दोस्तों देखिए, हमने निशान लगा दिया पहले से, आप देख पा रहे होंगे हमारा स्टार्टर 18 mm का है। आपको स्टार्टर की पेपर डालना है, आपको पेपर का माप निकालना पड़ेगा ये इस तरह से, तो आपको निकालना पड़ेगा 28 mm का। फिर आपको आप फोल्ड करेंगे, देखिए ये फोल्ड करेंगे इस तरह से दोनों साइड, तो ये परफेक्ट साइज बन जाएगा। ये पेपर बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा नहीं करना है, पेपर हमेशा आपको साइज का होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कितना साइज का है ये। अब पेपर डालेंगे आप, हमेशा आपका वी शेप नहीं बनना चाहिए, यू शेप बनना चाहिए। अगर आप पेपर बना अपना बना डाल देते हो, इसमें आजकल रेडीमेड मिलता है, आपको रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड मिल जाएगा, हमने ऑर्डर किया हुआ है, अगर आ गया तो मैं आपको भेजूँगा आप लोगों को। और दोस्तों पेपर जो आएगा आपको आएगा 350 रुपये किलो, और प्लस ट्रांसपोर्ट खर्चा अलग से रहेगा। अब दोस्तों देखिए, पेपर डालने वाले क्या करना है आपको, फिर आप इस तरह रख लें और आपको कॉइल की साइज निकालना पड़ेगा। हमारा पिच है इसका 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, आपको 6 छोड़ देना है और इस वायर को इस तरह से खींच देना है। दोस्तों कॉइल साइज परफेक्ट निकालें, कॉइल साइज निकालें में जल्दीबाजी ना करें। दोस्तों देखिए, इस तरह आपको साइज निकालना, पहले कॉइल का साइज निकालने के बाद में आपको चलना अपने मशीन पे और इसको माप को फॉर्मूला लगा के आपको कॉइल डालना है। दोस्तों देखिए, फिर हमारा ये वाइंडिंग मशीन है। दोस्तों हमारा ये साधा वाइंडिंग मशीन है, कोई भारी वाला नहीं है। दोस्तों ये मशीन अभी मैंने लिया है, 1500 का लिया है, मैंने नया दुकान खोला उसके बाद में। फिर दोस्तों आपने जो साइज निकाला है, इस साइज का आप इस तरह ले आए और इसके परफेक्ट माप लेके जैसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ये जगह वो है। दोस्तों आप पाइप देख रहे हैं, पाइप हमने बनवाया अपने हाथ से। दोस्तों कॉइल बड़ा नहीं होना चाहिए, कॉइल बड़ा हो जाए बहुत दिक्कत होती है, आपको कॉइल बड़ा नहीं करना है। इस तरह से आपको टाइट कर देना है। और दोस्तों इसमें वायर डालने वाले हैं, आपको दिखा दूं मैं। ये वायर हमारा आप देख पा रहे हैं, हमारा ये 35 गेज का एल्युमिनियम वायर है ये, और दोस्तों हमारा वायर जो है ये पॉलीविन कंपनी का ही है। कौन सी कंपनी का? पॉलीविन कंपनी का एल्युमिनियम वायर है, 35 का एल्युमिनियम वायर। दोस्तों एग्जस्ट फैन हो या आईपी फैन हो, मैं सभी के लिए 35 की एल्युमिनियम वायर बोलता हूँ। अगर एल्युमिनियम है तो कॉपर रहेगा तो कॉपर भरूंगा, एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम भरूंगा। तो दोस्तों हमारी मशीन जो है ये एक राउंड में 10 बार घूमता है, यानी एक बार घुमाएंगे तो 10 बार घूमेगा ये।
जो सबसे पहले आप जीरो कर लें और इससे कॉल बनाना हो जब भी, सबसे पहले क्या करें, इस तरह से अपने वायर को लाएं और इसमें लपेट दें ऐसा, और एक राउंड आप हाथ से घुमा दें इस तरह से, और फिर आपको गिनती कर देना है 320 टन। दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में डालता हूँ मैं 320 टन। इस तरह से घुमाते जाएंगे आपको 320 टन वायर हो जाएगा। दोस्तों परफेक्ट 320 टन डालना है आपको, कम ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों अगर 1-2 टन आगे पीछे हो जाए तो चलता है, तो है नहीं, या कोई 1-2 टन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपको 320 टन हो गया है, और फिर दोस्तों देखिए हमारा लास्ट वाला छेड़ा ये, तो फिर आपको धागा बांध देना है। दोस्तों देखिए धागा बांधना भी बहुत ज़रूरी काम है, इसमें अगर छोटा गड़बड़ करते हैं तो बनने में काफ़ी दिक्कत है। एक धागा यहाँ बांधना है आपको और दूसरा धागा आपको यहाँ बांधना है। आप चाहे यहाँ बांध सकते हैं कि मैं यहाँ बांधता हूँ, उसकी वजह भरूंगा मैं तब बताऊंगा उसकी वजह क्या है धागा बांधने के पीछे। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान समझें और समझ जाएंगे आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि मेरा जो तरीका है एकदम आजमाया हुआ तरीका है, एकदम सरल तरीका है। अब दोस्तों देखिए अभी आपको वायर को तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको दूसरा कॉल बना देना है। इसको पहले जीरो कर लिया आप, जीरो कर दिया आपने, और फिर से लपेटना शुरू कर दें और आपको इसी तरह से दूसरा कॉल बना देना है। दोस्तों देखिए हमारा 320 टन ये भी होने वाला है और ये हो गया। दोस्तों हो गया, अब इसको भी धागा बांधे इस तरह से। अब दोस्तों देखिए धागा जो है ये धागा फेंकता नहीं मैं, ये धागा भी उपयोग करूँगा और फिर रखूँगा सर जैसे खोल के और फिर से उपयोग करूँगा। और दोस्तों मेरी आदत है हमेशा अपने सामान को सेव करने की, मेरी बहुत पुरानी आदत है। आप लोग धागे से क्या है दोस्तों, धागे से बहुत कुछ है, बूंद बूंद से समुद्र, जो समुद्र है ना, समुद्र खुद ब खुद समुद्र निकल गया है, उसके अंदर बहुत लोगों ने योगदान किया अपना, बूंद बूंद डाला है तब आज समुद्र है वो। इसी तरह अपने सामान को आप सेव करना सीखें, फिर आप कट कर दें और कॉल को निकाल दें। इसे खोल के आपको कॉल निकालना है। अब दोस्तों देखिए आपको ये वाला नहीं खोलना है, जिसे आपका ये छेद वाला इधर खोलना है, इधर खोलने क्या होगा आपको कॉल साइज बिगड़ जाएगा, तो हमेशा आपको कभी खोलना नहीं इसको। अगर समझो कि आपको 10 कॉल बनाना हो, 20 कॉल बनाना हो, इसको बिल्कुल खोलना नहीं है। जब खोलेंगे आप इस तरह से खोलेंगे, इसे खोल लें। और दोस्तों अभी स्टार्टिंग कॉल बनाएंगे, तो स्टार्टिंग कॉल जो हमारा है इससे थोड़ा छोटा रहेगा, अभी आपको आराम से निकालना है क्योंकि अपने हमारे दोबारा आपको टूट भी सकता है, तो आपको आराम से एकदम प्यार से, ताकि टूटे फूटे नहीं नुकसान ना हो, इस तरह ढीला कर लें एकदम प्यार से हम। अब दोस्तों देखिए इस कॉल को निकाल के साइड में रखें। अब दोस्तों देखिए अभी अपने को थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, तो हमारे परफेक्ट माप है ये, अभी देख पा रहे हैं हमारे लास्ट वाले होल में था ये, तो अभी एक होल छोड़ के यानी यहाँ लगा दें, एक लगभग हमारा 1 इंच यानी कि 2 इंच अगर देखें गोलाई में, तो आपको कॉइल का लंबाई जो है 2 इंच छोटा हो जाएगा ये। अगर आप चाहे इससे माप भी ले सकते हैं, दोस्तों मैं माप नहीं ले रहा हूँ, या कोई सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं। ये देखिए इस होल में इस होल में कितने फर्क, अब दिखा दूँ मैं, नहीं तो आप बोले सर अपने कॉइल की लंबाई नहीं बताई। दोस्तों मुझे तरीका बता रहा हूँ, तरीका सीख लीजिए बस, आपको कॉइल की लंबाई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली तरीका सीख लीजिए। हाँ दोस्तों हमारे होल में यानी इस होल में और लास्ट वाले होल में लगभग फर्क कितना है, 1.25 इंच का फर्क है हमारा कॉइल। अगर ये एक तरफ में 1.25 इंच छोटा होता है, तो दोनों तरफ मिला के 2.5 इंच छोटा हो जाएगा हमारा कॉइल। अब लंबाई मापेंगे तो 2.5 इंच छोटा माप आएगा। अब दोस्तों देखिए हमने कॉइल बना लिया है और 320 टन ये भी है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अभी आपको इस कॉइल को निकालना नहीं है, इसे छोड़ देना है। हम पहले आप रनिंग कॉल भर लेंगे, उसके बाद निकालें। इससे क्या होता है कहीं रखे कहीं फंसे कोई लफड़ा नहीं जाएगा, और इसको ऐसे रख दें। अब चलते हैं स्टार्टर के पास। अब दोस्तों देखिए यह आप पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर कल हमने सीलिंग फैन वाइनिंग किया था, उसका जो टुकड़ा निकला था ऊपर का, ये वाला है मैं यूज़ करने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को संभाल संभाल रखता हूँ और हर चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये समझिए आप कि मुझे रिसाइकिल करने की आदत है। अब दोस्तों देखिए
अभी आप एग्जिस्ट में भरेंगे तो आपका लीड जो है इस तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि आपका ऐसे बैठाएंगे स्टार्टर को, हमारा जो लीड है इस तरफ आना चाहिए। तो आप क्या करें, इसको इस तरह रख लें और ये कॉइल हमारा है, इस कॉइल को इस तरह पकड़ लें। अब दोस्तों देखिए, आपको जो भरना शुरू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, एक में ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा वाला है, इसको छोड़ दें, इसमें छोटा है उसको ले लें भरने के लिए। फिर आप इसको इस तरह से कॉइल को लें। अब दोस्तों देखिए एक बात और, अभी आप इसमें होल देख रहे हैं, ये वाला होल, अभी आपको एक ये देखो यहाँ भरना शुरू करें यहाँ से, इससे क्या होगा आपका जो लास्ट वाला कॉइल है इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आपको भरना शुरू करना है यहाँ पे दोस्तों। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि ये सब समझे कि एक तरह के अंदर की बातें हैं। लोग तो फटाफट आपको दिखा देंगे, आपको समझेगा भी नहीं कि क्या दिखा रहे हैं ये, लेकिन मैं तो एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक बातें बताता हूँ आपको, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। लेकिन फिर भी आप लोग बोलेंगे कि सर ये समझ नहीं आया, सर वो समझ में नहीं आया। अरे भाई समझे कैसे, आप लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, स्किप करेंगे तो कैसे समझेंगे। अब दोस्तों देखिए आपको एक से छः गिनना है, मैंने इसमें एक से छः नहीं गिना, क्योंकि उसका तरीका देखिए। अब ये होल देख रहे हैं आप, ये होल देख रहे हैं आप, इस होल को लेके इस चैनल पर गिनेंगे तो टोटल 12 खा जाएगा ये, और आपने दो यहाँ छोड़ दिया, दो यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि तो चार चला गया, तो आप कितना हो गया, ये 8 ही हो गया। अच्छा गिनती के लिए 6 बचा हुआ, 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है। फिर देखो तो क्या करें, अब इस कॉइल को पूरी तरह आगे तरफ खींच लें, इस तरह से इस तरह खींच लें और इसको अब इसे बिठा लें। बिठा लिया आपने, आप चाहे धागा खोल भी सकते हैं और चाहे जैसे पीछा वैसा करें। और दोस्तों आज मुंबई में बारिश हो रहा है, आप आवाज़ सुन रहे हो शायद, एकदम धमाकेदार बारिश हो रहा है और मौसम ठंडा है, ऐसा लगता है कि गांव पहुंच चुके हैं। फिर आप इस कॉइल को देखिए, अभी आपको इस तरफ से नहीं मुड़ना है, ये वाला कॉइल हमारे राइट साइड में, आपको इस तरफ से लेना है, इस तरह से लेके और इसी को आपको अंदर घुसाना है इस तरह से। इस तरह अंदर घुसा दें और पेपर लगाते जाएं। दोस्तों बेहद सरल तरीका बता रहा हूँ मैं, हमने आपसे पहले कहा कि लोग इस तरह को दिखाएंगे नहीं, इस तरह को समझाएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने वीडियो से मतलब है, चलने से मतलब है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ वीडियो से नहीं है, मेरा मतलब है आप लोगों को सिखाना। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, मेरे दुकान में लोग आते हैं और बोलते हैं कि सेठ आप वीडियो बना रहे हो, आप सब कुछ सिखा दोगे तो आप क्या करोगे, आप इस तरह बताते हो कि लोग सीख जाएंगे फिर आप क्या करोगे, सब दुकान खोल देंगे, तो इस तरह लोग सवाल करते हैं मुझसे। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा में वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और हमने आपसे पहले कहा कि मेरा वीडियो कम से कम 10,000 वीडियो बनाने का मेरा टारगेट है। जो कुछ मुझे आता है मैं सब कुछ आप लोगों को सिखा दूंगा, कुछ भी बाकी रखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं मर गया उस दिन मेरी कारीगरी मेरे साथ चली जाएगी। अब दोस्तों देखिए हमारा कॉइल डाला गया, ये अब इसको आप इस तरह रख लें, ये हमारा वायर है, इसको आप इस तरह से गोल कर दें, इस तरह गोल कर दें और इसको आप बिठा लें अच्छे से, नहीं बिठाए तो भी चलेगा। ये दोस्तों देखिए इसको आप इस तरह पकड़ लें, और दोस्तों अभी ये सब पंखा भरता नहीं मैं, मेरे आदमी लोग भरते हैं, इसके लिए मेरी आदत खत्म हो चुकी है भरने की, क्योंकि वीडियो बनाता भर देता हूँ, बाकी भरता उरता नहीं है। अब दोस्तों देखिए आपका एक बार इस तरफ निकला है तो आपको दूसरा बार जो है इधर निकलना चाहिए, हमारा जो कॉइल है ये जुड़ा हुआ है, हमारा इनर वायर है, आउटर वायर है, तो आउटर वायर किधर है, राइट में है, तो आपको दूसरा आउटर वायर राइट में जाना चाहिए। दोस्तों देखिए अभी आप गलती चल देंगे ऐसा तो आपको दोनों बार इस तरफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा डालना है, यानी कि हमारा लीड इस तरफ था, इस तरफ आ जाए, हमारा ज्वाइंट इस तरफ आ जाए इस तरह से। फिर आप इस कॉइल को इस तरह ले लें, अब बीच में दो खाना छोड़ दें, इस तरफ दूसरा छोड़ देना आपको,
डाल दे और फिर पेपर लगा दे उसके ऊपर से। दोस्तों बेहद सरल बेहद आसान तरीके बता रहा हूँ मैं, और मैं इस तरह लगा रहा था कि मेरे वॉइस भी है, मैं चाहूँ वॉइस भी लगा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मित्र के पास बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे और जिनके पास वॉइस नहीं होगा वो भी ऐसे भरेंगे, उन्हें भी दिक्कत ऐसे आ सकती है, तो जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको समझे कि कैसे किया जाता है इसको। दोस्तों अभी आप गिनेंगे आपका ये शॉट जो है बीच में छः छूटा होगा कि आपने दो छोड़ दिया इसके लिए ऊपर, फिर भी आप डाउट एक बार गिन लें, 1 2 3 4 5 6 बराबर है ये। आप चाहे धागा खोल दें, इस तरह धागा खोल दिया और अच्छा लगेगा आपके लिए, आपकी मर्जी की बात है। और फिर से आपको राइट साइड वाला जो वायर है हमारा ये कॉइल का, ये देखिए ये वाला, हाँ ये मेरे दाएँ साइड में, ये मेरा बाएँ हाथ है, तो इसको इस तरह से मोड़ लें और उसी को डाल दें अंदर फिर से ठीक उसके बगल में। दोस्तों समझिए कि एक तरह का बोलते ना देसी इलाज, तो मैं देसी तरह बता रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझिएगा कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये आप मेरे सामने खड़े हैं, इस तरह वीडियो में बताता हूँ मैं। एक तरह समझिए कि लाइव वीडियो है ये, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा जारी करता नहीं हूँ। फिर आप इसको इस तरह से मोड़ दें और अभी उससे बगल में दिख रहा है वो एक शॉट छूटा हुआ, उसमें डाल देना आपको। अब दोस्तों देखिए आपने डाल दिया है, अभी आप क्या करें, अब ये जो वायर है आप इसको ऐसा रख लें, इस वायर को भी आप गोल कर लें, दोस्तों अभी देखिए अभी मैं लगाना हूँ इसमें टेप लगाने वाला हूँ। दोस्तों मैं याद हमेशा मैं टेप लगाता ही हूँ, मैं टेप लगाना नहीं भूलता हूँ। अभी जैसे टेप निकाला जब देखा मुझे कहाँ चिपका बहुत भयंकर, इसको निकालता फिर आप दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए अभी आप क्या करें, इस कॉयल को है एकदम अच्छे से बिठा लें और फिर इसमें आप लगा दें टेप। दोस्तों मैं याद हमेशा जब भी आप पंखा भरता हूँ मैं तो इसमें एब्रो टेप लगाता हूँ, इससे क्या होता है आपको बनने में बहुत तकलीफ नहीं होती है और आसानी बना जाता है। ये एब्रो टेप बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, इस तरह से आपको लेके और इस तरह से लगा देना है। दोस्तों देखिए टेप लगा दिया हमने, फिर आप क्या करें इस कॉइल को इस तरह से बिठा लेना अच्छे से, इससे आपको भरने में बड़ी आसानी होगी और बांधने में भी बड़ी आसानी होगी। इस तरह से आप बिठा लें। दोस्तों बेहद सरल तरीके बता रहा हूँ मैं, एकदम बेहद आसान। अब दोस्तों देखिए अभी आप चेक करना चाहें कि आपका वायरिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका समझिए कि आपने कॉइल डाल दिया गलत, तो लीडर देख रहे हैं आप, एक यहाँ निकला यहाँ निकला, फिर दोनों साइड निकल जाए, यहाँ निकल जाए यहाँ निकल जाएगा, या फिर यहाँ यहाँ निकल जाएगा, तो समझिए गलत हो गया। अगर आपने कनेक्शन सही किया है यानी कि कॉइल सही पोजिशन में डाला है तो एक यहाँ निकलना चाहिए यहाँ निकलना चाहिए। और दूसरा आप देख पाएंगे जब आपका वायर है ये देखिए इस कॉइल से लेके यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ ऐसा ऐसा रहता है। अभी आपको फिर से इसका रख लेना है और जो आपने स्टार्टिंग कॉइल डाला है उसको निकाल के ले आना है। अब दोस्तों देखिए अब इस कॉइल को भी डालना है अपने को, तो इससे हमको देखना नहीं है, सीधा सीधा जो सबसे पहला जगह दिख रहा है स्लॉट खाली वो वहाँ डाल देना है। देखिए अब यहाँ भरा हुआ है तो उससे बगल में डाल देना है। और पेपर लगा के चले जाना है
और जिस तरह आपने डाला था रनिंग कॉइल, आपको सेम डाल देना है स्टार्टिंग कॉइल भी इसी तरह से। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कॉइल कितना नाम जाता है। अभी कितने लोग कमेंट करते हैं कि सर कॉइल डालते हैं जल्दी जाता नहीं है। अब दोस्तों देखिए, इसका कॉइल डालना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें फ़र्क क्या रहता है, अरे आप जब कॉइल डालते हैं ना, कॉइल डालते समय आराम डालना है, फटाफट जल्दी चक्कर में कॉइल पूरा ख़राब नहीं करना है। बस इससे आप इसको पूरी तरह से खींच लें, अंदर तरफ खींच के और इस कॉइल को बिठा दें इस तरह से। और फिर से आपको ये राइट वाला घुमा देना है। दोस्तों मैं याद है हमेशा, मैं कोई पंखा भरूंगा सबके अंदर भी जितने पंखे होंगे, ये लंबे कॉइल वाले अच्छी कॉइल वाले सबको मैं ऐसे भरता हूँ, और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे भरिएगा। दोस्तों पेपर लगाते समय आप ध्यान रखें कि पेपर आपका सही जाए, कोई वायर बाहर ना जाए। अब दोस्तों देखिए, अभी आपको सब कॉइल डाल देना इसी तरह से। अब मैं सब कॉइल डाल देता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने सब कॉइल डाल दिया है, और फिर अभी आप इसको भी इस तरह से गोल कर दें और इसको छोटा कर दें। दोस्तों छोटा करने मतलब ये है कि वायर फंसेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अभी दोस्तों देखिए, अभी आपको इसको भी देख लेना है कि आपका कॉइल सही डाला आपने, कोई से गलत तो नहीं कर दिया। दोस्तों देखिए, एक बार यहाँ निकला है, तो क्या निकला है, यानी कि बराबर है ये। इसको बिठा लें अच्छे से और इस वायर को घुसा दें अंदर, ताकि बांधने में टूटे फूटे नहीं। अब दोस्तों देखिए, अभी हमारा पेपर अब काट लिया है इस तरह से। दोस्तों पेपर जो लगा रहा हूँ मैं, हमारा पेपर 5 नंबर का पीवीसी सीट है। आपको दोनों कॉइल बीच में डाल देना है, ऐसा डाल के फिर इसको बांध देना है, इस तरह लगा लें। अब दोस्तों देखिए, पेपर लगाने वाले क्या करना है, आपको आप बांधना शुरू करना है। जब बांधेंगे आप हमेशा देख पा रहे ये जो कॉइल हमारा, ये जो हमारे रनिंग कॉइल का पहला कॉइल, यहाँ बांधना शुरू करना, यहाँ से नहीं करना है। यहाँ से क्या, पेपर उठ जाएगा ऊपर, और बांधना शुरू करना हमेशा यहाँ से। दोस्तों इसको बांधने में लगभग 1 मीटर का वायर ढका जाएगा, 1 मीटर 1.25 मीटर का, एकदम टाइट बांधे, क्योंकि वायरिंग में जो फिनिशिंग आता है हमारा, ये सब बांधने के ऊपर ही है। अगर आप सही बांध नहीं पाएंगे तो आपका फिनिशिंग आएगा नहीं। और साथ में दोस्तों, हमारा वायरिंग जो है एल्युमिनियम वायरिंग वाला, मतलब एल्युमिनियम वायर है, तो ध्यान से बांधे कि आपको सुई के अंदर या धागे के अंदर कोई वायर फंस के टूट ना जाए। टूट गया बहुत काम बढ़ जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बांध रहे हैं, आपका एक भी धागे के अंदर, सुई के अंदर एक भी वायर फंस नहीं रहा है। दोस्तों देखिए, आपको इस तरह से बांधना है। दोस्तों देखिए, धागा हमारा एकदम परफेक्ट माप कर लिया हमने। यही बोलता हूँ मैं कि आप काम ध्यान से करें, उससे क्या होता है अपने सामान का बेस्ट नहीं करेंगे, एकदम परफेक्ट माप रहेगा। तो हर चीज़ का सही माप निकालना सीखें। देखिए इसमें धागा का बेस्ट होगा क्या, कोई बेस्ट नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अभी आपको डाल देना इसके अंदर पेपर। हाँ दोस्तों देखिए, हमने सिर डाल दिया है, उसको साफ भी कर लिया है। दोस्तों उसको सिर डालेंगे और जला के साफ करें आराम से, ज़्यादा टाइम ना जलाने में, ये
बड़ा जल जाएगा ये, अभी साफ करना है, मुझे चेक करना है। मेरे दोस्तों मैं चेक नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नए हैं तो भरने में और बांधने में टूट भी सकता है, तो इसको आप चेक करना है। उसको आप देख पा रहे हैं हमारे स्पार्क हो रहा है, मतलब भाड़ा वाइंडिंग चालू है, तो उसको देखिए ओके है। अगर आपको बांधने का है लेट बनते समय अपने हाथों को साफ रखें। अब दोस्तों देखिए डाल दिए इसके अंदर, हमने इसके अंदर भी इसमें हम चार बार निकालने वाले हैं, रनिंग में लाल वाला, स्टार्टिंग में काला वाला। अपने हाथों जुट के साफ रखिए, मैंने पूरा सफा है, आप भी साफ रखें, सब फ्रीज बांधेंगे। इस तरह फ्रीज बांध देना आपको। अब दोस्तों देखिए हमने रीड बांध दिया है, अभी आप क्या करें, आप इस तरह से इसको चढ़ा दे स्लीव। दोस्तों हमारा बैज जो है, हमने बैज वाइनिंग भरा है, ये एलुमिनियम का है, तो इसलिए बड़े प्यारा लगा हमें ये। आप जल्दीबाजी कर नहीं सकते और ज़्यादा कोई खींचतान कर नहीं सकते। दोस्तों हमने जो स्लीव लिया है एक नंबर और दो नंबर स्लीव है, जो हमने डाला है वाइनिंग वायर में एक नंबर है, और जो हमारा लीड वायर में है ये दो नंबर है। दोस्तों इस तरह से आपको चढ़ा देना स्लीव सभी के ऊपर। दोस्तों बड़े प्यार से, हाँ क्योंकि बाहर टूट जाएगा, आपको पता चलेगा अभी कब टूट गया। बाद में वाइंडिंग चेक करेंगे आप तो मालूम पड़ेगा कि आपको वाइंडिंग बता ही नहीं रहा है। अब दोस्तों देखिए हमारा जो एक बार दिख रहा है वो ज्वाइंट वाला, ये इस तरह इसके ऊपर रख दे। अभी दोस्तों देखिए अभी जो अपने जितने वायर है ये, इस चारों वायर को इस साथ लेके आना है और एक ही जगह बनना है इस तरह से। और हमने फिर से कहा कि बड़े प्यार से, अब इसको जल्दीबाजी वाला काम नहीं है, जल्दीबाजी करने जाएंगे तो आपको काम खराब हो जाएगा, तो आपको जल्दीबाजी करना नहीं है। दोस्तों देखिए इस तरह से, इस तरह मैंने सबको एक साथ लिया है, इस तरह साथ में ले लें और फिर से आपको बांधना शुरू करना है। जो आपका रनिंग कॉइल का पहला कॉइल है वहाँ से बांधना शुरू करना है, इस तरह से लें। और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आपका कोई वायर जो है आपके धागे के अंदर या हमारे सुई के अंदर फंस नहीं रहा है, तो फंस गया तो टूट जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो एकदम आराम से सिलाई कर लें। इस तरह से लेना है और ये ऐसे घुमा के डालना है। दोस्तों सिलाई एकदम अच्छे से करें, क्योंकि आप सिलाई कर नहीं पाएंगे सही से तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ कल से काफी बारिश हुआ है और लाइट नहीं है, सिलाई करते समय एकदम ध्यान से, क्योंकि वायर छूट गया काम बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए धागा हमारा एकदम परफेक्ट माप का है, ये देखिए सिर्फ इतना बचा है, इसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता। और दोस्तों हमेशा मुझे आदत रहती है कि अपने सामान को वेस्ट नहीं किया जाए, कम से कम मात्रा में सामान लगाया जाए, और उससे क्या होता है आपका पैसा सेफ होता है। तो हमेशा अपने सामान को वेस्ट ना करें, कटिंग करते समय परफेक्ट कटिंग करें। दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से काम नहीं करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देखिए अभी हमारा ये बना गया है, फिर आप क्या करें, अभी इसको सही से पोजिशन ले आना है, इसका देख लेना आपका मुंह बराबर है क्या, हमारा रोटो घुस जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा कॉइल परफेक्ट है और एकदम दोनों साइड से इसमें घुस जाएगा रोटो, ये आराम से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वाइंडिंग करें। अभी दोस्तों देखिए अभी अपने को चेक करना है इसको कि हमारा वाइंडिंग बराबर है, क्योंकि आपने बांधा है तो हो सकता है कोई वायर टूट गया हो, कोई गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि ऐसा भी होता है। हाँ
ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हुआ है, मुझसे भी कई बार हो चुका है कि वायरिंग किया और पहले चेक किया सब सही है, लेकिन लूप बांधने में और धागा बांधने में सिलाई करने में वायर टूट जाता है, तो ऐसा होता है। दोस्तों भी लाइट है नहीं, तो इसके लिए मैं अब देख पा रहे मेरे पास कंटिन्यू टेस्टर है, मैं इसे चेक करूँगा। दोस्तों सबसे पहले अब चेक करना है बॉडी शॉट, कि बॉडी शॉट तो नहीं आ रहा है, ऐसे बॉडी शॉट आएगा नहीं, फिर चेक करना है। दोस्तों देखिए हमारा वायरिंग बता रहा है, और ये देखिए हमारा दोनों वायरिंग ओके है। दोस्तों कभी कभी लाइट नहीं तो इसे भी कम चला सकते हैं चेक करने के लिए, अगर मालूम पड़ जाता है कि आपको सही कि नहीं। दोस्तों इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि डालू वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट और भी लोग उठा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।